চ্যানেল আপকো বহুত বহুত স্বাগত হ্যাঁ। আজ আপকো জানা পেলাম হুম দেখি আজ সে হি শুরু হো রা আজ আমি ভিডিও বানা রা হুম ঠিক হ্যাঁ। আজ সে PSL স্টার্ট হো রা হ্যাঁ 8:30 সবকো স্টাই স্পোর্ট পে দেখনে কো মিল জায়গা ঠিক হ্যাঁ। তো এ মুলতান সুলতান কা স্কোয়াড দেখ লেতা হুম ঠিক হ্যাঁ। মে পুরা PSL কা জিতনা টিম হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ সবই কা স্কোয়াড মে বতা দুঙ্গা ঠিক হ্যাঁ। ওর উসমে সে প্লেইং 11 কোন সা হো সকতা হ্যায় এ ভি মে বতা রা হুম ঠিক হ্যাঁ। দেখিয়ে মুলতান কা প্লেইং 11 কুছ ইস তরিকা সা হোনা চাহিয়ে ঠিক হ্যাঁ। পুরা ফুল স্কোয়াড হ্যায় रिजवान तो खेलेगा ही कैप्टन और विकेट कीपर ठीक है। कुलदीप साहा खेलेगा, रिलीज हो आएगा, सान मकसूद प्ले करेगा ठीक है। सानंद धोनी खेलेगा, टीम डेबिट आएगा। अब्बास अफरीदी स्पिन बॉलर है, डेविड मिलर प्ले करेगा, अखिला हुसैन, जॉस लिटिल ठीक है। तो ये तब तो ये सब जो भी है प्ले करेगा ठीक है। आदिल रशीद प्ले करेगा ठीक है। तो ये हो गया मुल्तान का पूरा ठीक है। प्लेइंग 11 मुझे जहाँ तक लगा सही ऐसे प्ले करना चाहिए ठीक है। तो अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, दूसरा टीम देख लेते हैं कराची किंग का ठीक है। तो दोस्तों कराची किंग का फुल स्क्वाड हैदर अली आपको पता है ही है ठीक है। इमाद वसीम आपको पता है कैप्टन है और ये क्या करता है आपको पता है, स्पिन बॉल है ठीक है। हैदर अली आपको ओपन बैटिंग ठीक है। मोहम्मद आमिर बॉलिंग है, बैटिंग से भी कभी कभी बना देता है ठीक है। मतलब मान लीजिए आपको नीचे का जैसे हम लोग का बुमराह हो गया, सिराज, मोहम्मद शमी जो खेल लेता है उससे अच्छा हिट लगा रहता है ठीक है। मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक फिलहाल फॉर्म में नहीं है, इनको नोट करना बन जाएगा ठीक है। आमिर यामिन ठीक है, मीर हमजा ठीक है, सरजील खान, मीर हमजा को पहचानते हैं आप लोग ठीक है, सरजील खान को भी पहचानते हैं, कुछ कुछ अक्रम को भी पहचानते हैं। मेटू वाइट तो पता है आपको, BBL में अच्छा प्ले किया था, अच्छा फॉर्म में था। इमरान ताहिर ठीक है, लेग स्पिनर बॉलर है। जेम्स वॉर्निक ये IIT में अच्छा प्ले कर रहा है ठीक है, पूरा 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 सीजन ये फॉर्म में ही है फिलहाल ठीक है। जेम्स फ्लोर एंडी टाई खेलेगा ठीक है। टाइप ताहिर ठीक है, पाकिस्तान का ही है, डोमेस्टिक का प्लेयर है ये। तो यहाँ से अभी मुझे कुछ नहीं लगता है, मोहम्मद इरफान तो प्ले करेगा ही ठीक है। तो प्लेइंग 11 देख लीजिएगा, प्लेइंग 11 मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा टीम स्कोर देखने के बाद देखिए, नंबर 1 हैदर अली आएगा, इमाद वसीम रहेगा, मोहम्मद आमिर आएगा तीसरा ठीक है, शोएब मलिक फोर्थ, उसके बाद सरजील खान, मैथ्यू वाइट, इमरान ताहिर ठीक है, जेम्स वॉर्निक, एंड्री टाई, मोहम्मद इरफान और हो सकेगा तो तस्वीर शमसी ठीक है। तो इन लोग मिला के लेगा, कुछ इस तरीके से प्लेइंग 11 होना चाहिए ठीक है। बाकी मैच शुरू होगा तो भी देखना पड़ेगा ठीक है। अभी लाहौर कैलेंडर का प्लेइंग 11 देख लेता हूँ ठीक है। लाहौर का तो टॉप क्लास का है, ये टीम ऊपर जाएगा ठीक है, इस बार भी ऊपर जाएगा, मतलब क्वालिफाई करेगा, भले ही उसके बाद हार जाए क्वालिफाई करेगा। लाहौर के साथ रहोगे तो बन जाएगा ठीक है। राशिद खान आपको पता है टॉप क्लास का बॉलर है, हारिस रऊफ, साइंस अफरीदी ठीक है। तो ये तीनों ही टॉप क्लास का, ये तो इनका 12 ओवर ठीक है, 12 ओवर को झेलना ही दूसरा टीम का मुसीबत हो जाएगा ठीक है। डेविड ओसेफ होता है, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर लेता है। अब्दुल्ला शफीक ठीक है उनको पता है, बैटिंग अच्छा कर लेता है। हैरी बुक आते ही बल्ला घुमाना चालू करता है, बॉल नॉट रन ये कर देना है। करवान गुलाम मुझे अच्छा नहीं लगता इसको ठीक है। जमान खान ठीक है, फकर जमान आपको पता है ये अच्छा है ठीक है, मतलब देख कर प्ले करता है, ODI प्लेयर करता रहिए, अच्छा लगता है फकर जमान को ठीक है। आप लोग इसका रन ये कर सकते हो, खूब पैसा पूरा मतलब अगर ये 10 मैच प्ले करता है मान लो एज ए एग्जाम्पल, तो आपको फकर जमा पे 10वें मैच पे जो भी रन ओपन होता है उसको ये करके अपना पैसा बन जाएगा ठीक है। हसन तलात ठीक ठाक है, सिकंदर राजा बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर लेता है। तो प्लेइंग 11 ही होना चाहिए, सिकंदर राजा प्ले करना चाहिए ठीक है। फकर प्ले करेगा, डेविड उसी आ जाएगा, हैरी बुक आएगा, साइंस अफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लियाम डेसवन ये प्ले करना चाहिए ठीक है, नहीं तो हसन तलात प्ले करना चाहिए। हसन तलात भी आते ही बल्ला घुमाता है, इसलिए मतलब अच्छा नहीं लगता ठीक है ऐसा। बाकी कुछ है नहीं है, देखिए इसको मैं नहीं पहचानता ठीक है। साजुआज इफ्रान ठीक है, जॉर्डन कुक ये साइड ऑस्ट्रेलिया वाला ही है ठीक है। जलाद खान, सेम बिलिंग को रिप्लेस किया, राशिद खान ठीक है। चलो ये तो लाहौर का स्कोर हो गया है ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ ठीक है।
इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये प्लेइंग इलेवन कुछ मतलब ये तो पूरा स्क्वाड है, मैं प्लेइंग इलेवन आपको बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ ठीक है। मेरा कैलकुलेशन हिसाब से क्या प्लेइंग इलेवन होना चाहिए, सराफ खान होना चाहिए, आसिफ अली ठीक है, मोहम्मद वसीम ठीक है जूनियर, आजम खान, फहीम अशरफ, हसन अली, कोलिन मुनरो ठीक है, पल स्टोलिंग, एलेक्स हेल्स गजब का फॉर्म में है, गुलबाज भी अच्छा फॉर्म से गुजर रहा है, फारूकी लेफ्टॉर्म का फर्स्ट बॉलर है, अब्रार अहमद, इसको मैंने आप लोगों को बताया था, अब्रार अहमद टेस्ट मैच में पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टेस्ट था उसमें ही मैंने बताया था इस बॉलर को फॉलो करना, मेरा चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर मैंने बता दिया था, अब्रार को आप लोग फॉलो करना, ये नेशनल टीम में आएगा ठीक है। और ये देखो पी एस एल में भी पीक हो गया ठीक है, अभी देखो ये पी एस एल बेहतर करने के बाद ये मतलब इसका बॉल आप लोग देखना ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है ठीक है, पढ़ पाना इतना आसान नहीं है। अगर अब्रार, राशिद, मान लो हारिस राव, शाहीन साफरीदी एक ही टीम में रहता है ना तो वो उस टीम को हराना तो आसान ही नहीं है ठीक है। तो ठीक ठाक टीम है ठीक है, ए बी टीम आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड भी आपको ऊपर जाते हुए मिलेगा, सैफ मकसूद ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसा ठीक है, मोइन अली प्ले कर सकता है शायद ठीक है 14 मार्च के बाद ठीक है। तो बाकी सब यही है प्लेइंग इलेवन, जब टॉस होगा तो उसके बाद मैं बताऊंगा ठीक है, देखता हूँ क्या कौन क्या आता है। बाकी ये क्वेटा ग्लेडियर्स का प्लेइंग इलेवन पूरा फुल स्क्वाड है ठीक है, मोहम्मद नवाज तो खेलेगा, इफ्तिकार अहमद तो खेलेगा, जयसवंत राय प्ले करेगा ठीक है, मोहम्मद हसनी भी आएगा ठीक है, सरफराज अहमद ठीक है, सरफराज अहमद तो खेलेगा, नवीनुल्लाह हक लेफ्ट आर्म को फास्ट बॉलर है ठीक है, लेफ्ट आर्म या राइट, और लेफ्ट या राइट मतलब फास्ट बॉलर ही है ठीक है, उमर अकमल ठीक है, पहले अच्छा प्ले करता था अभी फ्रॉम में फिलहाल नहीं है ठीक है, विल समित ठीक है, हसरंगा पता है आपको बॉलिंग अच्छा करता है ठीक है, नसीम शाह, नसीम साहब भी बॉलिंग ठीक ठाक है, स्पिनर बॉलर ठीक है, ऑरन स्मिथ ये भी बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करता आते ही बल्ला घुमाना चालू ठीक है, हसन अली, उमेर हसीब ठीक है, मोहम्मद जाहिद, इसको तो मैं नहीं पहचानता हूँ ठीक है, अब्दुल अमल खान, एम गप्टिल ठीक है, और यूसुफ कोई जामेर ठीक है। तो यहाँ से देखिए शकील को प्ले कर, शकील आ सकता है, कोई जामेर आ सकता है, वदन स्पीड प्ले करेगा, नसीम शाह आएगा, नवीनुल्लाह हक रहेगा, सरफराज, और ठीक ठाक टीम है ठीक है, ये लगभग डिफेंड का ही टीम है, इनके पास बॉलिंग देखो क्या क्या है ठीक है, नवीनुल्लाह हक बॉलिंग कर रहा है, मोहम्मद नवाज बॉलिंग है ठीक है, और अगर प्ले करता है मान लीजिए यहाँ पे नसीम साहब प्ले करता है तो बॉलिंग, और रन स्पिन बॉलिंग ठीक है, तो बॉलिंग ठीक ठाक है ठीक है, तो हसन अली बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर लेता है, तो टीम ठीक ठाक है, ये नहीं बताऊंगा कि टॉप फोर में जाएगा या नहीं ठीक है। अभी तक तो जितना भी स्कोर देखा हूँ मैंने एक को ही बताया ठीक है। अभी पेशावर का देख लेता हूँ प्लेइंग इलेवन, बाबर ठीक है, सरफन रदर फोर्ट ठीक है, बाबर को तो आपको पता है ये टीम हमेशा नीचे ही रहता है ठीक है, क्वालीफाई करते करते खत्म निकल जाता है, लोगों को लगेगा जीतता है लेकिन कुछ कर ही नहीं पाता, तो बाबर को तो पिक करना ही है, रदर फोर्ट को पिक करना ही है, रीजा को लेना ही है ठीक है, मोहम्मद हरीस, टीम तो सॉलिड है इन लोगों के पास ठीक है, उसके बाद सलमान और टॉम कोहिल को पिक करना है, राजापक्ष आएगा ये ठीक है, रोमेन कोयल, मुजीबुर रहमान, उसके बाद मेरा प्लेइंग इलेवन जिमी निसम ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब सबको आप लोग जानते होंगे ठीक है, तो पेशावर का जो भी है स्क्वाड देखकर अच्छा है ठीक है, टीम तो आगे जाना चाहिए लेकिन देखने के बाद ही पता चलेगा, हर टाइम भी मतलब जब भी मैच होता है तब भी लगता है पेशावर ऊपर आएगा ठीक है, आता भी ठीक है, उसके बाद नीचे गिरता है जब गिरते रहता है ठीक है, तो ठीक ठाक टीम है पेशावर का। कराची का देख लेता हूँ ठीक है, कराची स्टेडियम, ये स्टेडियम का जो भी है मतलब कराची स्टेडियम का T20 डोमेस्टिक का जितना भी एवरेज रन बना है ठीक है, उसके ऊपर ये बेसिक बनाया गया है ठीक है, तो टोटल मैच 49 हुआ है ठीक है, बैटिंग फर्स्ट 17 विन और बैटिंग सेकंड 32 ठीक है, टाई 0, एक भी टाई नहीं होता है, कराची हमेशा हाई स्कोरिंग ग्राउंड ही होता है, छोटा सा ग्राउंड है और फ्लैट पिच आपको मिल जाता है वहाँ पे ठीक है।
हाई स्कोर देखो 238 इस्लामाबाद यूनाइटेड, ठीक है, और लोएस्ट स्कोर कराची किंग का ही हुआ था, ठीक है, 113 रन। स्कोर पैटर्न का वो 150, ठीक है, बिलो स्कोर है, ठीक है, पर स्कोर है इन लोग का, और स्कोर बिटवीन 152-69, ठीक है, और 170-89 अंदर रहता है, ठीक है, अबव स्कोर 190+। ये कराची कराची स्टेडियम छोटा रहता है, ठीक है, हमेशा, और अभी हल्का फुल्का ड्यू भी गिरता है, ठीक है, तो उसके वजह से रन देखने को मिल जाएगा आपको, पहला 2, 4, 5, 10 मैच में अच्छा खासा रन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग पिच बनाता ही है फ्लैट, ठीक है, तो लोगों लंबी जो भी ओपन होगा, अगर लगता है 150-160 हो रहा है, ठीक है, तो उसको यस कर देना है, और बाकी गली में हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है, जैसे जितना हो पाएगा मैं उतना हेल्प आप लोगों को कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, ठीक है, जितना हो पाएगा मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। लाहौर स्टेडियम का देख लेता हूँ, T20 डोमेस्टिक, ठीक है, 32 प्ले हुआ है टोटल मैच, और बैटिंग फर्स्ट 19 विन, बैटिंग सेकेंड 13, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि बैटिंग फर्स्ट को ही फेवर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एवरेज स्कोर देखो फर्स्ट बेट 173 किया है, ठीक है, मतलब एवरेज स्कोर फर्स्ट बेट का लिए 173 है, हाईस्ट स्कोर मुल्तान सुल्तान ने 245 बनाया था, ठीक है, तो लाहौर का भी मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो कि फ्लैट पीजी रहता है अमन, ठीक है, और लोएस्ट स्कोर क्वेटा का 90 पे 10 विकेट्स, ठीक है, ये तो होता ही हर साल होता है, देखिएगा एक अच्छा टीम भी कोलैप्स करके 80-90 रन पे ऑल विकेट हो जाता है, ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न बिलो स्कोर 150.6, ठीक है, और स्कोर बिटवीन 2-150-216, ये जस्ट इसे तो नहीं मानता हूँ, जस्ट ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है हर मैच में, ठीक है, मतलब ये एक मतलब आपको आप लोगों को बताने का मतलब यही रहा कि आप लोगों को पता लगेगा कि 150 किसी दिन आया तो उसको ये स्टेडियम पे मैच देखना है लाइव, और पिच को भी समझना है, अगर समझ नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है, समझ आता है तो समझ के यस कर दो, ठीक है। अभी मुल्तान का स्टेडियम को देख लेता हूँ, ठीक है, मुल्तान T20 में अभी 3 मैच ही प्ले हुआ है, 2 फर्स्ट वेट जीता है, 1 सेकंड वेट, ठीक है, टाई 0 हुआ है, एवरेज इसको 169 है, यहाँ का मुल्तान ने 199 बनाया हुआ था 5 विकेट के नुकसान पे, ठीक है, हाईस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर 123-10, यानी कि यहाँ पे चेस करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे चेस नहीं होता है, यहाँ पे जितना भी मैच हुआ है अभी तक स्कोर पैटर्न 150.1 का है, ठीक है, स्कोर 152-169 के अंदर ही होता है, और एवरेज स्कोर 172-189 के अंदर होता है, ठीक है, अबव 190+, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग को ही फेवर ज़्यादा करता है, ठीक है। ये राहुल पिंडी का देख लो, राहुल पिंडी आपको पता है ये फ्लैट पिच रहता है, ठीक है, आँख बंद करके 160-170 ओपन हुआ है, आप लोग ये कर दो बन जाएगा, ठीक है, 2 मैच प्ले हुआ है, 1 मैच पहला बैट, दूसरा मैच सेकंड बैट, ठीक है, टाई एक भी हो ही नहीं सकता इस ग्राउंड पे, ठीक है, जिसमें जिस ग्राउंड पे एक भी रिजल्ट नहीं निकलता उस ग्राउंड पे टाई कैसे होगा भाई, ये टेस्ट मैच का तो एक भी रिजल्ट नहीं निकला इस ग्राउंड पे, ठीक है, तो टाई कहाँ से होगा। और एवरेज इसको 219 है फर्स्ट बैट का, सेकेंड बैट का 239 है, ठीक है, और फर्स्ट ने 239 है पहला बैट, और लोएस्ट स्कोर वेस्ट इंडीज़ का 199 पे, ठीक है, अभी 200 का एवरेज स्कोर ही है भाई, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया राहुल पिंडी फ्लैट पिच है, ठीक है, तो ये PSL का हो गया, कौन कौन सा टीम मेरा अकॉर्डिंग चाह सकता है, ठीक है, आप लोग वीडियो जब PSL ख़त्म हुआ तो आप लोग देखो, ठीक है, तो मुल्तान मुल्तान सुल्तान का स्कोर, ठीक है, तो देखो मुल्तान को आपको आगे जाते हुए मिलेगा, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, कराची को मिल जाएगा, ठीक है, कराची कराची मतलब क्वालिफाई करेगा, ठीक है, कराची ये टीम क्वालिफाई करेगा, ठीक है, क्वालिफाई करेगा टॉप 4 में, लाहौर को आपको मिल जाएगा क्वालिफाई करते हुए, ठीक है, प्लस का टीम है आप लाहौर के साथ हो तो बन जाएगा, और यहाँ पे इस टीम को पकड़ना है इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद को लेना है, ये 4 टीम मेरे तरफ से है, ठीक है, 4 में सभी कितना क्वालिफाई करता है दिखना पड़ेगा, ठीक है, हर टाइम तो सबका प्रेडिक्शन सही नहीं आता है, ठीक है, तो बाकी जानकारी के लिए अपना टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, तो आज का वीडियो यहाँ पर ही मैं समाप्त करता हूँ।